ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो भगवान श्री रामना महर्षि के उपदेश, उनके अपने शब्दों में ये छठा वीडियो है। और पिछले वीडियो का जो हेडिंग था वो था ज्ञान। इसमें भी वो कंटिन्यू रहेगा। पिछले वीडियो का नंबर 5 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आंसर था, वो 6th वीडियो का प्रथम क्वेश्चन आंसर होगा। प्रश्न, ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञानी बालक जैसे होते हैं, ऐसा क्यों? भगवान रमण महर्षि इसका उत्तर देते हैं। बालक और ज्ञानी एक दृष्टि से समान हैं। घटनाओं में बालक का रस तभी तक होता है जब तक वे समाप्त नहीं होती। समाप्त होने के पश्चात वे उनके विषय में विचार नहीं करते। इससे मालूम होता है कि बालक पर घटनाएं कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, वह मानसिक रूप से उनसे अछूता रहता है। ज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही होता है। क्वेश्चन, आप भगवान हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ज्ञान कब मिलेगा, बताइए मैं ज्ञानी कब बनूंगा। महर्षि उत्तर देते हैं, यदि मैं भगवान हूं तो आत्मा से अलग कोई है ही नहीं, इसलिए कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपके जैसा ही हूँ और उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं। दोनों विकल्पों के अनुसार मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यहाँ आकर के कुछ लोग अपने बारे में नहीं पूछते, वे पूछते हैं क्या जीवन मुक्त जगत को देखता है, वह कर्म से प्रभावित होता है, शरीर छूटने के बाद मुक्त का स्वरूप कैसा होता है, मृत्यु के बाद ही मुक्ति होती है या जीते जी भी कोई मुक्त हो सकता है, क्या ज्ञानी का शरीर प्रकाश में लीन नहीं हो जाना चाहिए या किसी अन्य तरीके से अदृश्य नहीं हो जाना चाहिए, वह शरीर को स्वरूप में छोड़े तो उसे मुक्त कहा जा सकता है, उनके प्रश्न का अंत नहीं। इन सब बातों के बारे में किसी को क्यों चिंतित होना चाहिए, क्या इन सब का उत्तर जान लेना मुक्ति है, इसलिए मैं उनको कहता हूँ मुक्ति की बात छोड़िए, क्या बंधन है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, सबसे पहले अपने आप को जानिए। अब अगला टॉपिक है आत्मा अनुसंधान सिद्धांत। स्मरण होगा कि आत्म भान एवं आत्म विस्मृति के प्रकरण में श्री रमन ने कहा था, देह मन के माध्यम से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, इस विचार को त्यागने मात्र से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। उनके भक्तों में से कुछ परिपक्व साधक तुरंत इसे सरलता से सिद्ध करने में समर्थ थे, किंतु दूसरों के लिए जीवन भर की दृढ़ वैचारिक आदतों को किसी विशेष प्रकार की आध्यात्मिक साधना के बिना त्याग कर इसे सिद्ध करना असंभव था। श्री रमन उनकी इस मुश्किल परिस्थिति से सहानुभूति रखते थे और जब भी आत्म सभानता बनाए रखने के लिए किसी दूसरी पद्धति बताने के लिए प्रार्थना की जाती थी तो वे आत्मा अनुसंधान नाम की युक्ति बताते थे। यह साधना पद्धति उनके व्यावहारिक आध्यात्मिक उपदेश का मूलाधार थी।
अगले तीन प्रकरणों में इसके सभी पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। इस युक्ति का वर्णन करने के पूर्व श्री रमन के मन के सब स्वरूप विषयक विचारों को समझना आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अनुसंधान का लक्ष्य स्वानुभव से यह जानना है कि मन का अस्तित्व नहीं है। श्री रमन के मतानुसार मन तथा शरीर की प्रत्येक समान क्रिया के केंद्र में कुछ न कुछ करने वाला मैं है, जिसका अस्तित्व पूर्व धारणा के रूप में बिना सोचे विचारे ही सच्चा मान लिया जाता है। मैं सोचता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ इत्यादि में मैं सब क्रियाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। श्री रमन इस सामान्य भाव को अहम वृत्ति कहते थे। अहम वृत्ति का अर्थ मन की निरंतर बदलने वाली मूल वृत्ति होता है। आत्मा अर्थात सच्चा मैं कभी भी मैं करता हूँ या मैं सोचता हूँ ऐसी कल्पना नहीं करता, लेकिन जो मैं इन सब कल्पनाओं को करता है वह मन की सृष्टि है। अतः उसे आत्मा का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब माना जाता है। अहम वृत्ति का यह वर्णन कुछ जटिल सा है, इसलिए मैंने सामान्यतया संक्षेप के लिए अहम विचार शब्द का प्रयोग किया है। श्री रमन यह मानते थे कि व्यक्तित्व विभिन्न रूप में स्वयं को प्रकट करने वाला अहम विचार मात्र है। बुद्धि स्मृति एवं अहम भाव इत्यादि मन के विविध व्यापारों को अलग मानने के बजाय वे उनको अहम विचार के भिन्न भिन्न रूप मानना पसंद करते थे। व्यक्तित्व मन से अलग नहीं है, मन अहम विचार से अलग नहीं है। अतः सच्चे मैं रूप आत्मा का ज्ञान होने पर उसे भिन्न व्यक्तित्व का भाव यदि अदृश्य हो जाए तो मन तथा अहम विचार भी अदृश्य हो जाते। अहम विचार इंग्लिश में ईगो, और ये ईगो माइंड बुद्धि ये सब माइंड की मॉडिफिकेशंस हैं। इस तथ्य की पुष्टि उनके बार बार किए गए इस विधान से होती है कि आत्म साक्षात्कार के बाद विचारों का विचारक, कर्मों का कर्ता तथा अलग व्यक्ति होने की सभानता वाला जीव नहीं रहता। क्योंकि उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि जिसका सच्चा अस्तित्व है वह आत्मा ही एकमात्र सत्य है। अहम विचार भ्रांति जन्य कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है, अर्थात उसका अपना स्वतंत्र सच्चा अस्तित्व नहीं है। तो फिर वह दिखता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर वे यह कहकर देते थे कि किसी पदार्थ से एक रूप हुए बिना उसका अस्तित्व दिखता नहीं है। जब विचार उत्पन्न होते हैं तो यह अहम विचार उनके स्वामित्व का दावा करता है। जैसे मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इत्यादि। लेकिन जिन स्थूल सूक्ष्म पदार्थों से वह एक रूप होता है उनसे भिन्न किसी अलग अहम विचार का अस्तित्व नहीं होता। वह सतत रहने वाला तत्व है। ऐसा इसलिए यह लगता है कि उसका वस्तुओं से तादात्म्य का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। इन सारे तादात्म्यों का मूल इस गलत प्रारंभिक धारणा में ढूंढा जा सकता है कि यह मैं आकार का अहम विचार शरीर के स्वामी के रूप में या उसमें निवास करने वाले के रूप में शरीर तक मर्यादित है।
अथवा शरीर के भौतिक आकार के समान आकार वाला है। मैं शरीर हूँ, ऐसा मूल विचार उसके उत्पन्न होने के पश्चात होने वाले सब गलत तादात्म्यों का जन्म स्थान है और इसका विनाश आत्मा अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य है। आत्मा अनुसंधान को इंग्लिश में सेल्फ इंक्वायरी बोलते हैं, अहम विचार को ईगो बोलते हैं। सो सेल्फ द मेन एम ऑफ सेल्फ इंक्वायरी इज टू रिमूव माइंड एंड ईगो। सो माइंड एंड ईगो बोथ आर इरेडिकेटेड बाई सेल्फ इंक्वायरी। श्री रमन हमेशा कहते हैं कि यह आत्मा को मर्यादित करने वाले तादात्म्यों की पुरानी आदत को दृष्टा मैं को वह जिन वस्तुओं के विचारों से स्वयं को एक रूप मानता है उनसे अलग करने के प्रयत्न के द्वारा रोकी या बदली जा सकती है। क्योंकि इस व्यक्तिक अहम विचार का अस्तित्व किसी पदार्थ के आश्रय के बिना टिक नहीं सकता। यदि साधक दृष्टा रूप मैं अथवा मैं हूँ के अनुभव पर इतनी तीव्र एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करे कि मैं यह या वह हूँ ऐसे विचार उत्पन्न ही ना हो, तो व्यक्तिक मैं पदार्थों के साथ तादात्म्य नहीं कर सकेगा। इस मूलभूत अहम के प्रति निरंतर ध्यान जारी रखा जाए तो व्यक्तिक मैं अदृश्य हो जाएगा। व्यक्तिक मैं का मतलब ईगो, और उसके स्थान में आत्मा का सीधा अनुभव होने लगेगा। इस मैं या मैं हूँ के प्रति सतत आंतरिक सभानता बनाए रखने के प्रयत्न को श्री रमन आत्मा अनुसंधान कहते थे। और अहम विचार की असत्यता प्रकट कर देने वाले सबसे अधिक प्रभावी उपाय के रूप में इसकी सिफारिश करते थे। सभानता का मतलब यहाँ अवेयरनेस। श्री रमन के शब्दों में यह अहम विचार आत्मा अर्थात हृदय से प्रकट होता है, और जब उसकी वस्तुओं के विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित करने की पुरानी आदत छूट जाती है तो आत्मा में विलीन हो जाता है। इस कारण वे हमेशा अपने उपदेश को अहम विचार के उदय तथा अस्त की प्रक्रिया के साथ जोड़ते थे। वे कहते थे कि अहम विचार को उसके जन्म स्थान में लीन कर दीजिए। यह अहम विचार कहाँ से प्रकट होता है इसकी तलाश कीजिए। इसका मतलब है फाइंड द सोर्स ऑफ ईगो, वेयर वेंस दिस ईगो, वेयर फ्रॉम दिस ईगो कम्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ईगो, इसका यही मतलब है। इन सब विधानों का तात्पर्य समान होता है। भाषा किसी भी प्रकार की हो, वे अपने भक्तों को अहम विचार की सभानता तब तक बनाए रखने की सलाह देते थे जब तक वह जहाँ से प्रकट हुआ था उसी अपने जन्म स्थान में लुप्त न हो जाए। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं का निरंतर विचार करने से अथवा बार बार अहम का मानसिक उच्चारण करने से भी सही दिशा में गति प्रगति हो सकती है, लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अभ्यास की यह प्रारंभिक भूमिका है। मैं का उच्चारण विचारक एवं विषय विचार के द्वैत की सीमा में होता है तथा इस प्रकार के द्वैत के रहते अहम विचार बढ़ता रहेगा। आखिर वह तभी नष्ट होगा जब स्थूल भौतिक पदार्थों का और सूक्ष्म मानसिक विचारों का दिखना समाप्त होगा। यह परिणाम अहम के विषय में सभानता रखने मात्र से प्राप्त नहीं होता, अहम रूप हो जाने पर ही प्राप्त होता है। किसी भी पदार्थ के विषय में
सभान रहने के बजाय केवल दृष्टा का अनुभव करने की भूमिका आत्मा अनुसंधान की पराकाष्ठा है, जिसकी विस्तृत चर्चा अगले प्रकरण में की जाएगी। यह महत्वपूर्ण भेद वह तत्व है जो आत्मा अनुसंधान को अन्य सब आध्यात्मिक साधना पद्धतियों से अलग करता है। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि श्री रमण क्यों दूसरी साधना प्रणालियों को हमेशा बेअसर बताते थे। वे अक्सर यह स्पष्ट करते कि पारंपरिक ध्यान पूजन में एवं योग के अभ्यास में ध्याता तथा ध्येय की आवश्यकता होती है, जिससे अहम विचार नष्ट होने की बजाय पुष्ट होता है। हियर ध्याता मीन्स सब्जेक्ट और ध्येय मीन्स ऑब्जेक्ट। उनके मत के मुताबिक ऐसी साधना पद्धतियां मन को सफलता पूर्वक अस्थायी रूप से शांत कर सकती हैं एवं संभवतः आनंदपूर्ण अनुभूतियों को भी प्रकट कर सकती हैं। दे आर नोन एज ग्लिम्पसेस लय, लेकिन कभी भी आत्म साक्षात्कार में परिणत नहीं हो सकती, क्योंकि इनसे अहम विचार स्पष्ट रूप से अलग होकर अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। इस प्रकरण में दिए गए वार्तालाप अधिकतर श्री रमण के आत्मा अनुसंधान विषयक सैद्धांतिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस तकनीक के व्यावहारिक पहलू प्रकरण 5 में विस्तार से दिए जाएंगे। अब प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। प्रश्न, मन का स्वरूप क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, मन अहम विचार से भिन्न नहीं है। मन तथा अहंकार एक हैं। माइंड एंड ईगो बोथ आर द सेम। उसकी बुद्धि स्मृति इत्यादि शक्तियां भी मन ही है। मन बुद्धि चित्त जिसमें संचित वासनाएं संस्कार रहते हैं तथा अहंकार, यह सब एक मन ही है। दैट मीन्स इंटेलेक्ट चित्त एंड ईगो एंड वासनाएं, दे आर ऑल मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। यह ऐसा है जैसे किसी मनुष्य को उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम दिए जाते हैं। व्यक्तिक जीव इस अहंकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। व्यक्तिक जीव मीन्स ईगो। प्रश्न, हम मन के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं, अर्थात उसका अंतिम कारण या तत्व क्या है जिसका वह प्रकटीकरण है? महर्षि उत्तर देते हैं, विचारों को उनकी मूल्यवत्ता के क्रम में देखने पर अहम विचार सबसे अधिक महत्व का लगता है। व्यक्तित्व विचार अन्य सब विषयों का मूल या स्कंद है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या विचार किसी व्यक्ति विशेष के विचार के रूप में ही प्रकट होता है और अहंकार से स्वतंत्र उसका अस्तित्व कहीं भी नहीं देखा जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अहंकार विचार प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। प्रथम पुरुष में को ही तुम वह इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि तीनों पुरुषों का साथ साथ उदय अस्त होता है। इसलिए इसमें या व्यक्तित्व के अंतिम कारण का अन्वेषण करना चाहिए। यह मैं कहां से उत्पन्न होता है, इसे अंदर ढूंढिए तो वह अदृश्य हो जाता है। सर्च ईगो इनसाइड सो इट विल वैनिश। यह ज्ञान मार्ग है। जब मन अपने स्वरूप का निरंतर अन्वेषण करता है तो अंत में यह ज्ञान होता है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है।
यह सबके लिए सीधा सरल मार्ग है। मन विचार समूह मात्र है, सब विचारों का मूल अहम विचार है। इस प्रकार केवल अहम विचार ही मन है। द प्राइमरी थॉट दैट इज द आई थॉट और वी से रूट थॉट और फाइनली वी से ईगो। ईगो क्रिएट्स दीज थॉट्स एंड थॉट्स इन ए चेन फॉर्म कंस्टिट्यूट द माइंड। अहम विचार का जन्म व्यक्ति का जन्म है, मैं उसकी मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु है। अहम विचार के उत्पन्न होने पर शरीर के साथ गलत तादात्म्य होता है। अहम विचार का त्याग कीजिए, जब तक मैं जीवित है तब तक शोक रहेगा। हियर मैं मीन्स फॉल्स आई मीन्स ईगो। जब मैं का अस्तित्व लुप्त होता है तो शोक नहीं रहता। पर्सन हाँ, लेकिन जब मैं अहम विचार सूत्र को पकड़े रखना चाहता हूँ तो अन्य विचार उत्पन्न होते हैं और मुझे परेशान करते हैं। महर्षि जवाब देते हैं, देखिए कि ये विचार किसके हैं तो वे अदृश्य हो जाएंगे। अहम विचार उनका मूल है, उसे पकड़े रखिए तो वे लुप्त हो जाएंगे। सो ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सब्सिडरी थॉट्स। द फर्स्ट थॉट अराइज फ्रॉम आवर आत्मा इज आई थॉट एंड रेस्ट ऑल थॉट्स फॉलो द प्राइमरी थॉट दैट इज ईगो। पर्सन अहंकार द्वारा शुरू की गई गवेषणा उसी की असत्यता कैसे प्रकट कर सकती है? महर्षि जवाब देते हैं, अहम विचार जहाँ से उत्पन्न होता है उस मूल स्रोत में जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप अहंकार के दिखावे के अस्तित्व से परे हो जाते। पर्सन लेकिन क्या अहम व्यक्ति उन तीन रूपों में से एक नहीं है जिनमें अहंकार स्वयं को प्रकट करता है? योग वासिष्ठ तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ अहंकार को तीन रूपों वाला बताते हैं। महर्षि जवाब देते हैं, सही है, अहंकार को स्थूल सूक्ष्म एवं कारण इन तीन शरीरों वाला बताया जाता है, लेकिन यह केवल विश्लेषणात्मक निरूपण के लिए है। यदि अन्वेषण की पद्धति को अहंकार के रूपों पर आश्रित बनाना पड़े तो किसी भी प्रकार की गवेषणा असंभव हो जाएगी, क्योंकि अहंकार असंख्य रूपों को धारण कर सकता है। इसलिए आत्म अनुसंधान के लिए आपको अहंकार का एक ही अहम व्यक्ति वाला रूप है ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सिंगल ईगो। ईगो इन डिफरेंट फॉर्म्स विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर पीपल हु गो फॉर सेल्फ इंक्वायरी। So we have to accept ego in a single form. इसका ये मतलब है। Person, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए यह शायद अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। महर्षि उत्तर देते हैं, अहम व्यक्ति के सूत्र को पकड़कर आत्मा का अनुसंधान करना ऐसा है जैसे कुत्ता सूंघ कर अपने मालिक को पा लेता है। मालिक चाहे अनजाने दूर के स्थान में हो लेकिन यह कुत्ते के मार्ग में विघ्न नहीं बनता। उस प्राणी के लिए अपने मालिक की गंध ही पर्याप्त संकेत है। उसके वेश की, आकार की, ऊंचाई इत्यादि की जानकारी जरा भी आवश्यक नहीं है। कुत्ता उसे ढूंढते समय उसकी गंध को एकाग्रता से सूत्र की तरह पकड़े रहता है और अंत में उसे पाने में सफल होता है। पर्सन
मन की दूसरी वृत्तियों को छोड़कर इस अहम वृत्ति के मूल की तलाश को ही आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग क्यों माना जाए, यह प्रश्न फिर भी अनुत्तर रहता है। महर्षि उत्तर देते हैं, यद्यपि मैं या मैं हूँ का भाव दुनिया के व्यवहार में अहम वृत्ति माना जाता है, लेकिन वस्तुतः यह मन की अन्य वृत्तियों की तरह साधारण वृत्ति मात्र नहीं है, क्योंकि परस्पर असंबद्ध अन्य सब वृत्तियों से भिन्न यह अहम वृत्ति मन की दूसरी सब वृत्तियों से तात्विक रूप से संबंध है। अहम वृत्ति के बिना अन्य कोई भी वृत्ति टिक नहीं सकती, लेकिन स्वयं अहम वृत्ति मन की अन्य वृत्तियों के बिना भी स्वतंत्र रूप से रह सकती है। इस कारण अहम वृत्ति अन्य सब वृत्तियों से मूलभूत रूप से भिन्न है। हियर अहम वृत्ति मीन्स ईगो, आई थॉट, रूट थॉट, प्राइमरी थॉट, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थॉट्स। अदर थॉट्स दे डिपेंड अपॉन द रूट थॉट, बट रूट थॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर थॉट, सो दिस इज सेल्फ इंडिपेंडेंट। इससे यह स्पष्ट है कि अहम वृत्ति के मूल की तलाश अहंकार के किसी एक रूप के आधार की तलाश नहीं है, बल्कि उस मूल स्रोत की तलाश है जहाँ से मैं का भाव प्रकट होता है। इट मीन्स हियर मूल भूत जो सोर्स है ईगो का, वो है हमारी आत्मा। दूसरे शब्दों में अहम वृत्ति रूप अहंकार के मूल की तलाश, हियर मूल मीन्स आत्मा, एवं उसकी प्राप्ति आवश्यक रूप से अहंकार तथा उसके प्रत्येक संभावित रूप से पर होने का मार्ग है। प्रश्न, यह स्वीकार करने पर भी कि स्वतः अहम वृत्ति में अहंकार के सभी रूपों का समावेश होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए केवल उसी वृत्ति का आश्रय क्यों लिया जाना चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, क्योंकि केवल वही आपके अनुभव का अपरिहार्य सूत्र है और उसके मूल की तलाश करना ही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है, जिसका आत्म साक्षात्कार के लिए आप आश्रय ले सकते हैं। कहा जाता है कि अहंकार का एक रूप कारण शरीर है, गाढ़ निद्रा की अवस्था है, लेकिन आप उसे अपनी तलाश का अक्षेत्र कैसे बना सकते हैं? जब अहंकार उस रूप का आश्रय लेता है तो आप गहरी नींद के अंधकार में डूबे रहते हैं। प्रश्न, लेकिन क्या अहंकार अपने सूक्ष्म एवं कारण शरीर वाले रूपों में अमूर्त और अत्यंत अग्राह्य नहीं होता, जिसे उसकी जागृत अवस्था में ही की गई तलाश से पकड़ पाना असंभव है? उत्तर, नहीं। अहम वृत्ति के मूल का अन्वेषण अहंकार के पूरे अस्तित्व को स्पर्श करता है, इस कारण अहंकार के रूपों की सूक्ष्मता तथा अग्राह्यता विशेष महत्व नहीं रखती। प्रश्न, जबकि एकमात्र लक्ष्य आत्मा की पूर्णता का अथवा शुद्ध सत्ता का अनुभव प्राप्त करना है, जो किसी भी तरह अहंकार के आश्रित नहीं है, तब अहम व्यक्ति रूप अहंकार विषयक अन्वेषण उपयोगी कैसे हो सकता है? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, कार्यकारी रूप में अहंकार का केवल एक लक्षण है, अहंकार शुद्ध चेतन रूप आत्मा तथा अचेतन शरीर के बीच गांठ रूप है, इस कारण इसे चित्त जड़ ग्रंथि कहा जाता है। अहम व्यक्ति के मूल के अन्वेषण के दौरान
आप अहंकार के तात्विक चिद्रूप पहलू का आश्रय लेते हैं, इस कारण आपका अन्वेषण आपको अवश्य आत्मा के शुद्ध चैतन्य के अनुभव की ओर ले जाता है। आपको अपने आप में शुद्ध अहम का तथा अहम विचार का भेद अवश्य करना चाहिए। अहम विचार वस्तुतः विचार मात्र है, इसलिए वह दृष्टा और दृश्य को देखता है, सोता है, जागता है, खाता है, सोचता है, मरता है और फिर जन्म लेता है। लेकिन शुद्ध एवं शुद्ध सत्ता या अस्तित्व है जो अज्ञात तथा विचार रूप भ्रम से मुक्त है। यदि आप निर्विचार होकर केवल अपने केवल सत्ता रूप अहम बनकर रहें तो अहम विचार अदृश्य हो जाएगा और भ्रम हमेशा के लिए मिट जाएगा। चलचित्र गृह में आप बहुत मंद प्रकाश में अथवा अंधकार में चित्र देख सकते हैं, पूरे प्रकाश में चित्र लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह परमात्मा के पूर्ण प्रकाश में सारे पदार्थ अदृश्य हो जाते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। नमस्कार मेरे दोस्तों, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।